खौफ में है बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री। डर के मारे घर भी नहीं जा रहा बागेश्वर बाबा। बैकफुट पर आया हिंदू राष्ट्र का पोस्टर बॉय। अपनी कौवे जैसी आवाज में कांव कांव करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करने वाला बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब मुश्किल में है। उनके भाई शालिग्राम गर्ग की करतूतों ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। आलम यह है कि बाबा खौफ में रह रहा है, यहाँ तक कि वो अपने घर भी नहीं जा रहा। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा को इतना डर है कि वो अपने पैतृक घर में भी नहीं जा रहे और पिछले कई दिनों से उन्होंने कोई कथा का कार्यक्रम भी नहीं किया। दलित परिवार के घर की शादी में कट्टा लेकर पहुंचे शालिग्राम के वीडियो के वायरल होने के बाद उसके खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। बाबा के भाई को जल्द ही गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। यही वजह है कि बाबा का भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो भाई है शालिग्राम, पिछले कई दिनों से वो फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन खुद बाबा भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद को विवादों से अलग करने का बयान तो जरूर दिया, लेकिन उसकी बात नहीं बनी। नेताओं ने उसके दरबार में आना छोड़ दिया, तो वहीं पुलिस भी अब उसके भाई को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर चुकी है। वहीं भीम आर्मी ने भी बागेश्वर धाम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यही वो वजह है जिसके कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने घर तक नहीं जा रहा। NBT की रिपोर्ट कहती है, भाई के खिलाफ मामला सामने आने के बाद से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने घर नहीं गए। उनका भाई भी गांव में नहीं है। इधर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने घर भी नहीं जा रहा। इसे आप उसके खौफ के तौर पर भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में दलितों की बारात में तमंचा लेकर सिगरेट से धुआं छोड़ते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम ने जो गुंडागर्दी वाला काम किया था, उसके बाद से दलित समाज में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं भीम आर्मी ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना अब वो शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, आप बेफिक्र रहे हैं। पहली बात तो आप किसी चीज का डर भय ना रखें। ऐसे नकली डोंगी बाबा साबा बहुत देखे हम लोगों ने, ठीक है, आप किसी से मत घबराएं। दूसरा, मुझे इस बात का दुख है कि उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे जब वो इस तरह से गालियां दे रहा था। वो गुंडे की उसकी इतनी हैसियत होगी कि वो हमारे लोगों को गालियां देगा? उससे पूछ के, भारत आजाद है, भारत में संविधान है, उससे पूछ के हम लोग शादी करेंगे, उससे पूछ के जो गाने बजेंगे, जो हमारा मन आएगा संवैधानिक रूप से वो करेंगे, वो कौन होता है रोकने वाला? तो आप परेशान ना हो, ये सब लोग आपके पास आए हैं, ये आपको यही बताने आए हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आपके पास साथ हैं। हमने उनको 48 घंटे का समय दिया पुलिस को कि वो लोग उसको गिरफ्तार करें। अगर वो 48 घंटे में गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी रणनीति तय करेंगे और छतरपुर आएंगे। उसके इन पाखंडियों के आंख से आंख मिला के वहीं आके बात करेंगे, इनसे पूछेंगे ये कौन है हमारे लोगों को मारपीट करने वाले, गाली देने वाले। आज के बाद कभी वो जो है वो पाखंडी नशेड़ी आज के बाद आपको दिखाई नहीं देगा, आप चिंता मत करना। वो इतना बलवान है तो अब आए सामने, हम उसका इलाज करेंगे, हम बताएंगे उसको किस तरह से जो है ना माँ बहनों को गालियां दी जाती, मारपीट की जाती, आपके अपमान का बदला लेंगे, आप चिंता मत करो उसको सजा दिला के। आप अकेले नहीं है, डरना घबराना नहीं किसी से, सारे लड़ाई हम लड़ेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है? आप देखना वो आपके पैरों में पड़ के नाक रगड़ के जो है माफी मांगेगा आपसे, और उसको सजा भी होगी, आप चिंता मत करो, ठीक है? किसी और बहन बेटी के शादी में ऐसा ना करे, ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे गुंडे, उनको सबक सिखाना जरूरी है। इस आपके इस मामले को लेके सब लोगों में गुस्सा है, सब लोग आपसे आपको ढूंढो कर रहे हैं कि भाई आप लड़ाई लड़े तो हम साथ हैं। अब आप देखना आपकी लड़ाई कितने लोग लड़ने के लिए खड़े। अभी एक यहाँ वो कोई धाम पड़ता है छतरपुर में, उनके एक बाबा के भाई को नशा चढ़ गया, वो जाके हमारे अहिरवार समाज की एक जो शादी हो रही थी वो शराब के नशे में, बताओ बाबा है अपना परिवार नहीं सुधार पा रहे।
वो शराब के नशे में और सिगरेट मुंह में और पर वो एक असला लेके बताओ कोई उनसे पूछे किससे डरा रहे असले से हमारे तो लोग लोहा से कोई से ज्यादा खतरनाक है बताओ किनको डरा रहे असले मसले लेके ये बताओ इससे बड़े बड़े असले को तो हमारी माताएं बहने खेत में घास काट देती है जिन असलों को दिखा के बताओ तो वो जाके असला दिखा के और वो गालियां दे रहा है तो गुंडा हमारे लोगों को गालियां दे रहा है गाना बजाने पे क्या तो उनके हिसाब से चलो वरना वो हमें अब हमारी बेटियों की शादी भी नहीं करने देंगे वो गुंडा ये कह रहा है और उसने फिर दिया अभी मेरे रास्ते में आते उनके पिताजी से बात हुई उन्होंने कहा हमने उनसे हाथ जोड़ कहा कि महाराज जी ऐसा मत करो बिटिया के शादी का मामला सम्मान का मामला तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया बताओ उस गुंडे कितनी औकात की हैसियत होगी बताओ हमारे लोगों को पीट रहा है वो तो मैंने छूट नहीं दी इनको भी आर्मी के लोगों को वरना उसमें घुस भर देते क्या उसका दिमाग खराब हो गया देखो लेकिन नया फिर सुनो कि वो पुलिस उस गुंडे को मारने के बजाय कह रही है कि वो असला नहीं था वो तो टोस्ट थी बताओ यानी कि पुलिस किसकी सुरक्षा कर रही है हमारे लोगों की वो गुंडा पूरे समाज को गाली लेके चला जाता है मैं तो उनसे भी नाराज हूं जो अपराध थे वहां उसको हाथ पैर तोड़ देते भाई वो मां बहनों को गाली दे रहा था मां बहनों का सम्मान के लिए तो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ जाए देश के एक रीति रही है तो मैंने यहां की पुलिस को 48 घंटे का समय दिया था 24 घंटे का समय बीत गया है भाई के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद बागेश्वर बाबा ने सफाई दी थी कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है जो बाबा पहले हिंदू राष्ट्र की कांव-कांव करते हुए नहीं थकता था वो अब कह रहा है कि भारत में संविधान है और कानून अपना काम करेगा अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा सालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया देखो हम गलत के साथ नहीं है कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें हम कतई गलत के साथ नहीं है और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा हम सत्य के साथ हैं बहुत बहुत धन्यवाद यही वो बाबा है जो पिछले कुछ दिनों पहले तक हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा कांव-कांव करता रहता था यही वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है जो इस देश में हिंदुओं का राज कायम करने की ऐलान करता था लेकिन दलितों के साथ पंगा लेने के बाद अब इसकी घिग्गी बन गई है आलम ये है कि ये अपने घर भी नहीं जा पा रहा और ना ही कोई कथा का कार्यक्रम कर पा रहा हालांकि इसके भाई को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बचा रही है पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस को ये पता ही नहीं है कि शालिग्राम आखिर है कहां इसी से सवाल खड़ा होता है कि क्या शालिग्राम को एमपी पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुजन समाज का रवैया या रणनीति आने वाले दिनों में क्या होगी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज़ बीट